हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी लेकर तैयार रहें और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए आपसे पूछा जा रहा है 84% किसके इक्वल है। 84% किसके इक्वल है। जब भी आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करिए, आप परसेंटेज को हटाने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो 84% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 84/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 84/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, छोटे फॉर्म में बदल लेते हैं, तो 2 से हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 5 जा 10 जीरो हो गया, ये 2 4 जा 8 और ये 2 हो गया, यानी कि 42/50 42/50 आपका आंसर होने वाला है, आंसर सेकेंड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि हमसे भागफल पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इस नंबर में 13 से भाग दें तो क्या भागफल आएगा, कोशेंट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, 76076 इसका हमको डिवाइड करना है 13 के साथ, तो देखते हैं कितने बार लेकर जाएंगे, बताइए। 65 यानी कि 5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, ये 1 हो गया, ये यहाँ पर भी क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, अब कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। ठीक है, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स। तो कौन सा हमारा ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, बताओ भाई। ये 6 हो गया और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये बचा 2 और यहाँ पर बचा 2। ठीक है, यानी कि 6 यहाँ पर, ठीक है, ये 6 है, 26 ये हो गया हमारा 2, यानी कि 5 2 5 8 5 2 ऑप्शन सेकेंड हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सरल करेंगे, ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बताओ भाई, 7 2 14 कर लें, देखते हैं इसको जैसे लिखा है। अब देखो ये जब ये डिवाइड का है, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में इसको चेंज कर दिया तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 5/3 हो गया, इज इट क्लियर, ओके। तो इसके बाद देखते हैं 7 2 14, ठीक है, 14 × 5/ कितना हो गया, 27। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करें, देखते हैं ये कितना हो गया, 3 1 3 यानी कि 5/3 हो गया, 5/3। ठीक है, 14 5 70 27 हो गया, ये कितना हो जाएगा बताओ, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, 3 2 6 + 5 यानी कि 70/27 पूरे का 11/3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो गया, 70 × 30। ठीक है, 70 × 3 है, 30 नहीं है, 3। ठीक है, 70 × 3 हो गया, अच्छा जी, 70 × 3 अब क्या हो गया, 27 × 11, तो 3 9 = 27 यानी कि 70/ कितना हो रहा है, 99, 70/99 आंसर आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन है सेकंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जब भी आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपका
यही अप्रोच होना चाहिए कि परसेंटेज हटा दें। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो 90% को क्या लिख सकते हैं, 90 बाई हम लोग 100 लिख सकते हैं। ठीक है, और ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि मल्टीप्लाई। प्लस 30 बाई क्या लिख दें, 100 लिख देते हैं, परसेंटेज हटाते हैं तो, और ऑफ है 90। ठीक है, यह किसके इक्वल है ये पूछा जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यानी कि 270 ये हो गया, अगेन यहाँ से ये से 0 और ये भी 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 27। अब इसको बस क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है 297। 297 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है। ठीक है, कि यही सब क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चंस हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो इस प्रकार के यदि क्वेश्चंस पूछा जाए तो क्या करना पड़ेगा। देखो हमारे पास दिया गया है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, कितना दिया गया, 38 दिया गया है, और एलसीएम कितना दिया गया है, 98154, और उसका हमसे एक नंबर दे दिया गया है, दूसरा नंबर पूछा जा रहा है। तो बस इसका कुछ नहीं होता है भाई, देखो ध्यान से, एलसीएम इनटू क्या होता है, एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर होता है। ठीक है, इनटू सेकंड नंबर, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ का मतलब होता है मस, और एलसीएम का होता है लघुत्तम समापवर्तक। आपके पास मस दिया गया है 38 और लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है इतना। ठीक है, और आपके पास एक नंबर दे दिया गया है, दूसरा नंबर पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस यही वैल्यू रखिए, एचसीएफ कितना आ गया है, 38 आ गया है। ठीक है, और एलसीएम कितना आ गया है बताइए, 98154, 98154 आ गया है। ठीक है, और हमारे पास पहला नंबर दे दिया गया है 1558, और हमसे सेकेंड नंबर पूछा जा रहा है। तो बहुत ही इजी ये भी सवाल है। ठीक है, तो 9815 4 इंटू क्या हो गया, 38 अपान में 1558 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, और ये लग भी जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसको कैलकुलेटर में मैं सॉल्व कर देता हूँ। फिर भी आप लोगों का यही रहना चाहिए कि आप भरसक इसको पेन और पेपर की सहायता से फटाफट कैलकुलेशन की स्पीड बूस्ट अप करें। ठीक है, 98154 है, इंटू क्या है, 38, इंटू 38 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई है आपका 1558, तो इसका आंसर आ रहा है 2394, 2394 ऑप्शन आपका सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अभी तक जितने स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जब भी आपकी क्लासेस होती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जो भी रेगुलर्स अपडेट होती हैं हम आपको देते रहते हैं। ठीक, चलिए।